Hey guys, this is Manas. Good evening and welcome to Bansal Tech. तो Redmi अपनी Redmi K50 सीरीज को कल चाइना में लॉन्च करने वाला है। अब इसमें आज Redmi K50 Pro की फुल स्पेसिफिकेशन बाहर निकल के आ चुकी है और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी लीक हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Redmi K50 Pro की फुल स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच की 2K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल डिस्प्ले को देखें तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 9000 5G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। तो अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलने वाला है और साथ में यहाँ पे आपको OIS की भी सपोर्ट देखने को मिलने वाली है, प्लस यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलने वाला है। पता नहीं Xiaomi ऐसा क्यों कर रहा है। अभी मैंने एक दो दिन पहले वीडियो बनाई थी Samsung Galaxy A53 5G की स्पेक्स को लेके, उसमें मैंने बताया था कि उस फोन में आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे Xiaomi इसी रेंज का फ़ोन होने वाला है वो भी। पर Xiaomi ऐसा क्यों कर रहा है, 8 मेगापिक्सल से आगे क्यों नहीं जा रहा, Xiaomi जाने। प्लस थर्ड कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो अच्छा काम किया Xiaomi ने यहाँ पे 2 मेगापिक्सल को इंक्लूड नहीं किया है। बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी और चार्जिंग की। तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी प्लस 120 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाली है। तो यहाँ पे चार्जिंग काफ़ी फास्ट है, प्लस आपको बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी सही मिल रही है, क्योंकि अगर ज़्यादातर देखें तो ऐसी जो 120 वॉट 125 वॉट की चार्जिंग वाले फ़ोन्स आते हैं उनमें आपको ज़्यादातर 4500 mAh बैटरी इसी टाइप की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अच्छी बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिलने वाली है इस फोन में। अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको LPDDR5 वाली रैम टाइप और UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलने वाली है, प्लस आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। ये फ़ोन की सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये जो फ़ोन है ये MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 पे आउट ऑफ द बॉक्स रन करने वाला है। अब बात करें इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो ये 8GB रैम और 12GB रैम ऑप्शन में आने वाला है। स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो ये 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है। तो ये है स्पेसिफिकेशन Redmi K50 Pro की। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग जो लीक हुई है वो है 3699 yuan, अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 44,000 rupees। हो सकता है Xiaomi सरप्राइज करते हो सकता है, क्योंकि अगर Redmi को देखें तो Redmi काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग रखता है चाइना में स्पेशली। तो अगर देखें तो हो सकता है इससे कम प्राइसिंग पे भी ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। तो अब देखते हैं ये जो फ़ोन है किस प्राइसिंग में लॉन्च होता है कल, और जो बाकी मॉडल्स है इस सीरीज़ में वो किस प्राइसिंग में लॉन्च होते हैं, और ये जो फ़ोन है ये इंडिया में कब तक लॉन्च होते हैं और किस नेम से लॉन्च होते हैं, ये तो आपको थोड़ा टाइम में ही पता चलेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।